तो हेलो दोस्तों, आप लोग कैसे हो। तो दोस्तों, आज जो है हम एक जगह के बारे में जानेंगे। वो जगह जो है ओशिनिया महादेश के अंतर्गत और प्रशांत महासागर के अंदर आता है एक स्वाधीन जगह। जगह का नाम जो है टोकेलाउ। हाँ दोस्तों, जगह का नाम जो है टोकेलाउ। तो दोस्तों चलिए, टोकेलाउ की जो नेशनल फ्लैग मैं आपको दिखा रही हूँ, आप ध्यान से देख लीजिए, आपको पता चलेगा ये जो है टोकेलाउ की नेशनल फ्लैग। तो दोस्तों, टोकेलाउ को जो है अपना हिस्सा बताता है न्यूजीलैंड। इसका कारण क्या है, और टोकेलाउ अमेरिकन सामोआ के बीच जो है एक विवादित आइसलैंड मौजूद है, वो आइसलैंड को आज के डेट में कौन शासन कर रहा है। 2007 से पहले जो है टोकेलाउ के अंदर कोई भी डॉक्टर नहीं था, और 24 आवर्स में जो है यहाँ पर कितने समय तक यहाँ पर बिजली दिया जाता है, और ये जगह से इंडिया की दूरी कितनी है। ये जगह की एक खेलने वाला टीम 2010 में इंडिया आया था, लेकिन खेल नहीं पाया है। इसका कारण क्या है, मैं आपको एक एक करके सब कुछ बताऊँ, लेकिन उससे पहले प्लीज दोस्तों, इस चैनल में पहली बार चुनाव सब्सक्राइब जरूर करना, पास में जो बिल्कुल ऑल पर सिलेक्ट करना, कुछ भी कहना तो कमेंट में कह सकते हो। तो दोस्तों, मैं आपको बताऊंगा गूगल मैप की मदद से फुल HD और बड़े स्क्रीन पर असल पे टोकेलाउ दुनिया के अंदर कौन से हिस्से में मौजूद है। तो दोस्तों चलिए, मैं आपको दिखाती हूँ, आप ध्यान से देख लीजिए, हमारे भारतवर्ष आपको नजर में आ जाएंगे। तो दोस्तों, ये जगह जो है ओशिनिया महादेश के अंतर्गत और प्रशांत महासागर के अंदर आता है एक स्वाधीन जगह, जिसका आयतन 10 वर्ग किलोमीटर। हाँ दोस्तों, 10 वर्ग किलोमीटर इस जगह की टोटल आयतन है। कुल जो है 3 आइसलैंड आपको नजर में आ जाएंगे, और आसपास में जो है कुछ विदेशी अंचल और कुछ देश आपको नजर में आ जाएंगे। तो दोस्तों, यहाँ पर भी स्थित है, मैं आपको दिखाऊंगा, यहाँ पर देख लीजिए, आपको पता चलेगा ये जगह। तो दोस्तों, यहाँ पर जो है एक छोटा लाल हिस्सा आपको नजर में आ जाएंगे, यहाँ पर स्थित है वो जगह। जगह का नाम जो है टोकेलाउ आपको नजर में आ जाएंगे, फिजी, सामोआ, यहाँ पर जो है टूवालू आपको नजर में आ जाएंगे, और इसके जो बीच में आपको नजर में आ जाएंगे यहाँ पर टोकेलाउ, जो यहाँ पर मैं आपको दिखाने की कोशिश करी, जो न्यूजीलैंड की बिना शासन किया गया है एक राज्य है। हाँ दोस्तों, बिना शासन की एक राज्य मैं आपको दिखा रही हूँ, जो टोकेलाउ, आप ध्यान से देख लीजिए, मैं आपको दिखाने की कोशिश करी हूँ। तो दोस्तों, टोकेलाउ की ऑफिशियली कोई राजधानी नहीं है, जहाँ पर बड़े बड़े स्टेटमेंट लिया जाता है वो जगह का नाम जो है आताफू आइसलैंड। तो दोस्तों, ये जो लाल हिस्से से घिरा हुआ जगह आपको नजर में आ जाएंगे, ये जो है आताफू आइसलैंड, जहाँ पर बड़े बड़े स्टेटमेंट लिया जाता है। हालांकि सबसे बड़ा शहर जो है और एक आइसलैंड में मौजूद है, और उस आइसलैंड का नाम जो है फाकाउफू आइसलैंड। इसके अलावा और एक आइसलैंड जो है टोकेलाउ की है, और उस आइसलैंड का नाम जो है नुकुनोनो आइसलैंड। आप ध्यान से देख लीजिए, जो बड़े बड़े स्टेटमेंट लिया जाता है इसी जगह से। तो दोस्तों, भाषा की बात करें तो दोस्तों टोकेलाउन इस जगह की ऑफिशियल लैंग्वेज, इसके अलावा इंग्लिश भी। तो दोस्तों, धर्म की बात करें, इस जगह पर जो है क्रिश्चियन समय ये जगह है। करेंसी की बात करें तो न्यूजीलैंड डॉलर इस जगह पर चलता है, NZD। पानी की बात करें तो 0%। तो दोस्तों, ध्यान से देख लीजिए, कुछ कुछ जगह पर सोलर प्लैनेट आपको नजर में आ जाएंगे। हालांकि यहाँ पर 24 आवर्स के अंदर जो है सिर्फ 16 आवास यहाँ पर जो है बिजली दिया जाता है। तो दोस्तों, आप ध्यान से देख लीजिए, मैं आपको दिखाने की कोशिश करी हूँ। हाँ दोस्तों, आप ध्यान से देख लीजिए, एक एक हिस्सा मैं आपको दिखाने की कोशिश कर रही हूँ। तो दोस्तों, ये जगह की जो राजा है चार्ल्स 3, और इस जगह की जो एडमिनिस्ट्रेटिव उसका नाम जो है डॉन हिगिंस। तो दोस्तों, इस जगह की जो उलुओ टोकेलाउ उसका नाम जो है केलियो हियानो कालोलो। आप ध्यान से देख लीजिए, ये जगह की हर एक हिस्सा मैं आपको गूगल मैप के थ्रू फुल HD और बड़े स्क्रीन पर दिखाने की कोशिश करी हूँ। तो दोस्तों, ये जगह न्यूजीलैंड की जो है अस्वशासित राज्य है, क्योंकि ये जगह को न्यूजीलैंड शासन नहीं करता, लेकिन न्यूजीलैंड दावा करता है ये जगह उसका है। हालांकि ये जगह जो है अपना एक देश का दर्जा पाने के लिए जो है ये जगह बेताब है, क्योंकि ये जगह चाहता है ये टोकेलाउ को जो है एक देश का दर्जा दिया जाए। तो दोस्तों, ये जगह को रक्षा करता है UK की आर्मी June 1889 से। तो दोस्तों, ब्रिटिश कॉलोनी यहाँ पर बना है 29 February 1960 में, न्यूजीलैंड इस जगह को लिया है 11 फरवरी 1926 में, और न्यूजीलैंड ये जगह को अपना हिस्सा या अपना दावा ठोकता है 1 जनवरी 1949 में। तो दोस्तों, इंडिया से टोकेलाउ की अगर हम दूरी देखें तो दोस्तों आप देख पाएंगे 12,300 किलोमीटर दूर जो है ये जगह स्थित है। आप ध्यान से देख लीजिए, हर एक छोटे छोटे आइसलैंड का यहाँ पर नाम रखा गया है। आप ध्यान से देख लीजिए, आपको पता चलेगा हर एक छोटे छोटे आइसलैंड का जो यहाँ पर नाम आपको नजर में आ जाएंगे। हाँ दोस्तों, आप ध्यान से देख लीजिए, आपको पता चलेगा, देखा। हाँ दोस्तों, आप ध्यान से देख लीजिएगा, आपको पता चलेगा हर एक आइसलैंड का मैंने एक एक करके तस्वीर दिखाने की कोशिश करी हूँ। ये जो है आताफो मैं आपको दिखा दिया हूँ। तो दोस्तों चलिए, सबसे बड़ा शहर फाकाउफो मैं आपको दिखाने की कोशिश करूँगा। तो दोस्तों ये देख लीजिए, ये जो है, सॉरी दोस्तों, ये जो है आपको नजर में आ जाएंगे नुकुनोनो आपको नजर में आ जाएंगे। आप ध्यान से देख लीजिए, नुकुनोनो आइसलैंड आपको नजर में आ रहा है। आप ध्यान से देख लीजिए, मैं आपको दिखाने की कोशिश करी हूँ। हाँ दोस्तों, तो दोस्तों टोकेलाउ और अमेरिकन सामोआ के बीच जो है एक आइसलैंड मौजूद है, जिस आइसलैंड का नाम जो है स्वैंस आइसलैंड। जिस आइसलैंड को कब्जा करके रखा है अमेरिकन सामोआ, टोकेलाउ कहता है वो आइसलैंड जो है इसका है, क्योंकि ये जो है एक विवादित आइसलैंड माना जाता है। आप ध्यान से देख लीजिए, एक एक हिस्सा मैं आपको दिखाने की कोशिश करी हूँ, हर एक आइसलैंड का जो यहाँ पर नाम रखा गया है। आप ध्यान से देख लीजिए, आपको पता चलेगा, देखा। हाँ दोस्तों, हर एक आइसलैंड का यहाँ पर नाम रखा गया है। जो आइसलैंड मैं आपको दिखा रही हूँ, इस आइसलैंड का नाम जो है नुकुनोनो आइसलैंड। आप ध्यान से देख लीजिए, देखा। हाँ दोस्तों, जो लाल हिस्से से घिरा हुआ जगह ये जो है
नुकनोनुआ आइसलैंड में आपको दिखा रही हूँ। यहाँ पर जो है पर्यटक सबसे ज्यादा आता है, बहुत सारा देशों से यहाँ पर पर्यटक आता है। यहाँ पर देख लीजिए छोटे छोटे आइसलैंड का यहाँ पर नाम रखा गया है, देखा। हाँ दोस्तों, सीमा आप देख लीजिए, आपको नजर में आ जाएंगे। यहाँ पर एक छोटा आइसलैंड है, आप ध्यान से देख लीजिए, आपको पता चलेगा बहुत छोटे छोटे आइसलैंड का बहुत छोटे छोटे यहाँ पर नाम भी रखा गया है। तो दोस्तों टोकेलाउ ये जो है पॉलिनेशियन भाषा है, जिसका अगर हम मतलब जो है उत्तरी हवा या कह सकते हो नॉर्थ एयर। तो दोस्तों आप ध्यान से देख लीजिए, ये जगह के हर एक हिस्सा मैं आपको दिखाने की कोशिश करी हूँ, जहाँ पर पॉपुलेशन ज़्यादा है वो हिस्सा मैं आपको दिखाने की कोशिश करी हूँ। आप ध्यान से देख लीजिएगा, ये जो है नोकुनोनो आइसलैंड में आपको दिखा रही हूँ। तो दोस्तों उसके बाद और एक आइसलैंड में आपको दिखाऊंगा, जिस आइसलैंड का नाम जो है फाकाउफो आइसलैंड। तो दोस्तों ये जो है आपको नजर आ रहा है नोकुनोनो आइसलैंड। तो दोस्तों चलिए हम चलते हैं फाकाउफो आइसलैंड की तरफ। तो दोस्तों साइड में स्थित है वो फाकाउफो आइसलैंड, आप ध्यान से देख लीजिए, आपको पता चलेगा। तो दोस्तों टोकेलाउ इसका नाम रखा गया है 1946 में। टोकेलाउ के अंदर राजनीति की वजह से जो है यहाँ पर नेशनल खिताब ये नहीं पाया है, और ये जगह एक ऐसी जगह पर स्थित है जहाँ पर बड़े बड़े साइक्लोन आता है। विश्व का छोटा छोटा अर्थशाली देशों के अंदर जो है ये जगह भी आता है। आप ध्यान से देख लीजिए, मैं आपको दिखाने की कोशिश कर रही हूँ फाकाउफो आइसलैंड के अंदर मौजूद जो छोटे छोटे आइसलैंड, एक एक करके दिखाने की कोशिश कर रही हूँ, आप ध्यान से देख लीजिएगा, देखा। तो दोस्तों ये जगह पर जो है न्यूजीलैंड बहुत ज़्यादा सहायता करता है, क्योंकि यहाँ पर देख लीजिए आपको सोलर प्लैनेट आपको नजर में आ जाएंगे, आप ध्यान से देख लीजिएगा, आपको पता चलेगा, देखा। एक एक हिस्सा मैं आपको दिखाने की कोशिश करी हूँ। हाँ दोस्तों, टोकियो के अंदर स्थित है हर एक आइसलैंड का एक एक हिस्सा मैं आपको दिखाने की कोशिश करी हूँ। तो दोस्तों ये जगह के अंदर जो है पार्ट डे 16 घंटे यहाँ पर बिजली दिया जाता है, क्योंकि यहाँ पर सोलर प्लैनेट से जो बिजली यहाँ पर आता है उस बिजली को यहाँ पर दिया जाता है। अभी एक एक करके ध्यान से देख लीजिए, एक एक हिस्सा मैं आपको दिखाने की कोशिश करी हूँ। 2007 से पहले जो यहाँ पर कोई भी डॉक्टर नहीं था, हालांकि आज के डेट पर अगर हम देखें तो दोस्तों यहाँ पर डॉक्टर मौजूद है। तो दोस्तों पैसिफिक गेम्स में जो है ये जगह एक टीम बना के हिस्सा लेता है। 2010 में जो है कॉमनवेल्थ गेम में जो है भाग लेने के लिए इंडिया आया था, तब जो है इंडिया पे खेल नहीं पाया है, इसका कारण कुछ अलग है, मैं आपको बताऊंगा। लेकिन उससे पहले इस जगह पर जो है जो नेशनल एंथम, पॉपुलेशन और इंडियन कितने रहते हैं हम देख लेते हैं। आप ध्यान से देख लीजिए, आपको पता चलेगा जो टोकेलाउ की जो है, आप ध्यान से लीजिए एंथम, वो मैं आपको दिखाने की कोशिश कर रही हूँ। हाँ दोस्तों, इसके अलावा इस जगह पर जो आदर्श वाक्य वो मैं आपको दिखाने की कोशिश करी हूँ, आप ध्यान से देख लीजिएगा। इस जगह पर जो कैपिटल, यहाँ पर जो है कैपिटल ऑफिशियली नहीं है, लेकिन आतापू यहाँ पर जो है बड़े बड़े स्टेट में लिया जाता है, और बड़ा शहर जो है फाकाउफो। और यहाँ पर देख लीजिए ऑफिशियल लैंग्वेज टोकेलाउन, इसके अलावा इंग्लिश। यहाँ पर जो राजा है चार्ल्स थ्री, एडमिनिस्ट्रेटर उसका भी नाम लिख दिया हूँ, आप ध्यान से देख लीजिएगा। इसके अलावा इस जगह की जो कह सकते हो उलू और टोकेलाउ, उसका भी नाम लिख दिया हूँ, आप ध्यान से देख लीजिएगा। तो दोस्तों टोटल जीडीपी की अगर हम बात करें तो दोस्तों आप ध्यान से देख लीजिए, आपको पता चलेगा इस जगह की टोटल जीडीपी। इसके अलावा यहाँ पर करेंसी की बात करें तो दोस्तों हाँ, यहाँ पर न्यूजीलैंड डॉलर चलता है, NZD आपको नजर में आ जाएंगे। ड्राइविंग साइड देख लीजिए लेफ्ट, और कॉलिंग कोड देख लीजिए +690 इस जगह की कॉलिंग कोड। इसके अलावा पॉपुलेशन देख लीजिए, यहाँ पर 1800 से ज़्यादा यहाँ पर पॉपुलेशन रहता है, और इंडियन से भी यहाँ पर जो है पर्यटक के हिसाब से यहाँ पर जाता है, इंडियन यहाँ पर घूमने जाता है। तो दोस्तों एक एक हिस्सा मैं आपको दिखाने की कोशिश किया हूँ, और कुछ इन्फॉर्मेशन मैं आपको दिया हूँ। तो दोस्तों ये जगह दुनिया के अंदर कौन से हिस्से में मौजूद है, चलिए मैं आपको ग्लोबल मैप के थ्रू दिखाने की कोशिश करूंगा। असल पे टोकेलाउ दुनिया के अंदर कौन से हिस्से में मौजूद है, आप ध्यान से देख लीजिएगा, जो न्यूजीलैंड का एक हिस्सा बता रहा है। तो दोस्तों आप ध्यान से देख लीजिए, ये जो है एक पॉपुलर यहाँ पर जो है संगीत की नज़र से अगर हम देखें तो उससे पॉपुलर एक चीज़ है। इसके अलावा यहाँ पर देख लीजिए जो नेशनल पार्क में आपको दिखा रही हूँ, और इस जगह के अंदर जो बड़े बड़े साइक्लोन आता है, जो यहाँ पर तबाही मचाता है, वो भी मैं आपको दिखाने की कोशिश करी हूँ। और यहाँ पर जो सुरक्षा देता है जो यूके की, यहाँ पर जो कह सकते हो सुरक्षाकर्मी, आप ध्यान से देख लीजिए, एक एक हिस्सा मैं आपको दिखाने की कोशिश करी हूँ, देखा। हाँ दोस्तों आप ध्यान से देख लीजिए, आपको पता चलेगा एक एक हिस्सा मैं आपको दिखाने की कोशिश करी हूँ, जो टोकेलाउ जो ओशनिया मदर्स का अंतर्गत आता है और जो प्रशांत महासागर के अंदर स्थित है। तो दोस्तों एक एक हिस्सा यहाँ की हर एक तस्वीर मैं आपको दिखाने की कोशिश करी हूँ, हर जगह से यहाँ पर पर्यटक यहाँ पर घूमने आता है। तो दोस्तों टोकेलाउ जो आता है, टोकेलाउ को जो एक दोस्त घोषित किया जाए। तो दोस्तों टोकेलाउ के अंदर जो तीन आइसलैंड मौजूद है, वो सारे आइसलैंड का इमेज मैं आपको दिखा रही हूँ, आप ध्यान से देख लीजिएगा, देखा। हाँ दोस्तों आप ध्यान से देख लीजिएगा, आपको पता चलेगा हर एक जो है आइसलैंड का इमेज मैं आपको दिखा रही हूँ। तो दोस्तों चलिए मैं आपको दिखाती हूँ हर एक आइसलैंड का नाम लिख के। तो दोस्तों आप ध्यान से देख लीजिए, आपको पता चलेगा आसपास में जो है आपको नज़र में आ जाएंगे, अमेरिकन सामोआ भी आपको नज़र में आ जाएंगे आसपास में, आप ध्यान से देख लीजिएगा, देखा। ये जो तीन हिस्सा आपको नजर में आ रहा है, ये जो है टोकेलाउ की है। तो दोस्तों ये जो है सरकारी पद में रहने वाला है एक इंसान, इसका इमेज मैं आपको दिखा रही हूँ, आप ध्यान से देख लीजिएगा, देखा। हाँ दोस्तों टोकेलाउ जो है 10 वर्ग किलोमीटर के अंदर रहता है, टोकेलाउ जो एरिया है मैं आपको वो दिखा रही हूँ, देखा। हाँ दोस्तों, तो दोस्तों मैंने आपको बता दिया हूँ ओशनिया मदर्स के अंतर्गत एक स्वाधीन जगह, और प्रशांत महासागर के अंदर आता है जो जगह का नाम टोकेलाउ। तो दोस्तों और भी देश के बारे में अगर आपको जानना है तो दोस्तों प्लीज़ इस चैनल में पहली बार सब्सक्राइब जरूर करना, पास में जो बेल आइकन है सबको ऑल पर सेलेक्ट करना, कुछ भी कहना तो कमेंट में क्या सकते हो।